खबर को पेश करता है अरफात हजुमरा टूर्स एंड ट्रैवल पुरानी हवेली हैदराबाद। निजाम कैटरर्स, इवेंट ऑर्गेनाइजर, कैटरिंग की दुनिया का वो नाम जो हर घर की खुशियों का एक हिस्सा। मैं शहर अध्यक्ष महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ, हिंगोली डिस्ट्रिक्ट। बोलिए, बोलो साहब। यहाँ पे 20 तारीख को वो अपने भारत बंद के इसमें जो मसला हुआ था, यहाँ पर समझो कुछ लोगों ने अपने नमाज के बाद नमाज पढ़ के बाहर निकले मस्जिद के, उधर से पुलिस आई तो पुलिस ने उन पे लाठीचार्ज चलाई, अपने बच्चों ने कुछ पथराव करे। लेकिन उसमें साहब ऐसा होगा कि अपने जो बच्चों को 48 बच्चों पे FIR हुई और उसमें से 100 बच्चों को इतर में बताया उन्होंने, उसमें से साहब जो कलमनुरी शहर में जो आप बच्चों को उठा रहे, तो मैं मस्जिद से जुड़े वाला हूँ बोल के साहब सिर्फ मेरे घर के 6 लोग उठा दिए साहब। जेल में साहब सगे भाया वो, हालांकि CCTV फुटेज में भी नहीं है, FIR में उनका नाम क्या कर दो। तुम वकील खड़ा करे जी साहब? वकील खड़ा किए? वकील खड़ा नहीं करे सर अभी। क्यों साहब? वहाँ पे किसी को आने नहीं दे रहे साहब, वहाँ पे किसको भी आएगी अंदर डाल दे रहे साहब। अरे भाई तुम वकील को तो भिजाओ, तुम्हारा भाई जेल में है ना साहब। उनको इस कदर मार रहे साहब, उनको इसके उनके मुंह में से कानों में से खून जा रहा है साहब, इस कदर उनको मार रहे साहब। अभी जेल को नहीं भिजाए, पुलिस में गए अभी? नहीं, हाँ अभी पुलिस में है साहब। अभी उन्होंने बोलने का मतलब पुलिस ने अरेस्ट करके लेके चले गए। एक बार लाइन करो। ओके सर। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विद हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। మీరు మాట్లాడుతున్న వ్యక్తి మీ కాల్ ను హోల్డ్ లో ఉంచారు, దయచేసి లైన్ లో వేచి ఉండండి। ఆప్ జిస్ వ్యక్తి సే బాత్ కర్ రహే హై ఉస్నే ఆప్కీ కాల్ కో హోల్డ్ పర్ రఖా హై, కృపయా లైన్ పర్ బనే రహే। ద పర్సన్ యు ఆర్ స్పీకింగ్ విత్ హస్ పుట్ యువర్ కాల్ ఆన్ హోల్డ్। హలో, హా సర్, हाँ बोलो। इम्तियाज जलील साहब, एमपी साहब लाइन पर, दूसरी लाइन बोलो तुम। जी साहब, अभी यहाँ पर जो 2 दिन पहले हमारे भाइयों को, 6 भाइयों को एक घर में से उठा के लेके चले गए, दरवाजा तोड़ के, गेट तोड़ के, दूसरी बात साहब उनको इस खतर भी मार रहे कि इसकी कोई इंतिया नहीं है साहब, यहाँ पर कोई बोलने वाला नहीं है। अभी भी दिन में से बच्चों को उठाना चालू है, उन्होंने CCTV फुटेज में भी नहीं है और ना ही उन्होंने कैमरे में आए वाले है, ना उनके ऊपर FIR है। मेरे भाई किसको बोलना, बोलो इम्तियाज साहब को, पुलिस में फोन सर। मैंने इम्तियाज, मेरे को कल फोन आया सर, मैंने वहाँ पे बोल के SP है और जी है, दोनों बात जी साहब योग जी साहब इम्तियाज साहब ने साहब मैंने उनको कॉल करके बताया था ये बात, योगेश कुमार साहब का SP का मैंने उनको नंबर भी दिया। लेकिन साहब नंबर देने के बाद भी इम्तियाज साहब वो लोग उठाना बंद नहीं कर रहे हैं ना, अपने जो फैमिली है, जो घर के, जो मेरे खुद के 6 लोग हैं उनको इस खतर मार रहे हैं ना। उनका क्लियर बोलना है कि साहब मतलब जो हमारे को CCTV के अंदर आए हैं तोड़ फोड़ करते हुए जी सर, हम वही लोगों को करते हैं। तो सर एक मिनट सर, वो जो उसमें जो 6 लोग है ना सर, जो 6 लोग में अगर चाहे आपने कोई भी अगर चाहे एक भी अगर चाहे घर का होगा तो अपन गुनाह कबूल करने के वास्ते तैयार है साहब। 6 लोग भी अपने नहीं थे सर वो मैटर में। सबसे पहले सर तो मुझे, सर एक मिनट, सबसे पहले तो उन्होंने सर मुझे 1 बजे लिया के वहाँ पे अरेस्ट कर दिए थे, लेकिन उनका जो उन्होंने CCTV फुटेज चेक करे, वो FIR चेक करे, उसमें मेरा नाम नहीं मिला, तो मेरे को 2:30 बजे रात को छोड़े सर पुलिस स्टेशन में से, और दूसरे दिन मेरे भाइयों को उठा कर लेके चले गए। और दूसरी बात सब कलमनुरी के अंदर जो 6 भाइयां हैं जी सर जी, उनका पूरी जी हाँ सर, उनको इस खदर मार रहे हैं, उनको अभी 4 दिन। अरे तुम नाम भेजाओ, बोले ना SMS नाम करो तुम्हारे भाइयों का, इम्तियाज साहब को तुम। बिल्कुल बिल्कुल साहब, अभी करता साहब, अभी लगाओ लगाओ फोन, लगाओ SMS करो। ओके ओके सर, थैंक यू सर।